हिंडौर शहर में गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान करीब 96 टन लकड़ियां निकली, जो फिलहाल बारिश से खराब हो रही थी, जिससे कुछ लकड़ियों को निगम द्वारा वेस्ट टू आर्ट प्रयोग के तहत उपयोग कर रहा था। वहीं गोपाल मंदिर से निकली लकड़ियों में से अनुपयोगी लकड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू हुई। दरअसल स्मार्ट सिटी के द्वारा राजपाड़ा और उसके आसपास के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था। वहीं इस दौरान गोपाल मंदिर से बड़ी मात्रा में लकड़ियां निकली थी, जिसमें से अधिकतर लकड़ियों को तो दोबारा इस्तेमाल में लिया गया, वहीं कुछ लकड़ियों को वेस्ट टू आर्ट के तहत इस्तेमाल में लिया गया। वहीं बाकी बची अनुपयोगी लकड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। वहीं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना था कि वन विभाग के द्वारा सभी अनुपयोगी लकड़ियों के मूल्य का आकलन किया गया, जिसके बाद यहां से निकाली गई 96 टन लकड़ियों की कीमत 2,27,000 है। वही इस मूल्य के आधार पर इस लकड़ियों की नीलामी शुरू की गई। ये गोपाल मंदिर परिसर जो है ना, गोपाल मंदिर का जो परिसर है, इसमें पूरा निर्माण जो है ना, मंदिर को छोड़कर बाकी ये सारे ब्लॉक लकड़ी के बने हुए थे पुराना, इसको हमने जीर्णोद्धार किया है। इसमें बहुत सारी लकड़ी जो है ना ऐसी निकली जो अनुपयोगी है, और अनुपयोगी लकड़ी को हम जो है आज नीलाम करने जा रहे हैं। इसका हमने वन विभाग से इसका वैल्यूएशन करवाया, और ये 169 चट्टे हैं, 138 चट्टे हैं, इसमें 69 टन जो है ना लगभग लकड़ी है, और इसका वैल्यूएशन वन विभाग ने जो है ना 2,27,000 रुपये किया है। तो इसकी अपसेट प्राइस 2,27,000 है, और इसको खुली नीलामी बोली से हम जो है ना विक्रय करने जा रहे हैं। अब ये तो बोली लगने के बाद ही आएगा, लेकिन हम अपसेट प्राइस है कि हमारी अपसेट जो प्राइस है वो 2,27,000 से अधिक ही आएगी, तभी हम इसको जो है नीलामी में देंगे।